आज हम डिस्कशन करेंगे टेस्ट 7 ए पे, ठीक है। तो एमसीक्यू नंबर 1 था हमारा, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम पे किसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, याद रखना। इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर हो सकती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक बात हमेशा होगी कि वो कंसंट्रेशन फिर चेंज नहीं होगी। मिसाल के तौर पे इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट 2 मोल है, प्रोडक्ट भी 2 मोल है, क्या है, बराबर हैं। अब जब तक इक्विलिब्रियम होगा रिएक्टेंट 2 मोल ही रहेगा, प्रोडक्ट 2 मोल ही रहेगा। इसी तरह अगर रिएक्टेंट 4 मोल हैं और प्रोडक्ट 2 मोल है, ठीक है, तो अब रिएक्टेंट ज़्यादा हो गए, लेकिन अब जब तक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा रिएक्टेंट 4 मोल ही रहेंगे, प्रोडक्ट 2 मोल ही रहेंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट 10 मोल हो और रिएक्टेंट 1 मोल हो, लेकिन जब तक इक्विलिब्रियम रहेगा प्रोडक्ट 10 मोल ही होंगे, रिएक्टेंट 1 मोल ही होगा। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि आपका एसएमसीक्यू भी हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इक्विलिब्रियम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज, हाँ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्लियर। तो ये बेटा आपका एमसीक्यू नंबर 1 था जी। एमसीक्यू नंबर 2, एक्टिव मास ऑफ एनी गैस एट एनटीपी, इट्स अ गुड एमसीक्यू, याद रखिएगा। किसी भी प्योर सॉलिड के लिए, किसी भी प्योर लिक्विड के लिए जो एक्टिव मास होता है वो 1 होता है, कितना होता है, लेकिन किसी भी गैस के लिए जो एक्टिव मास होता है वो 1/मोलर वॉल्यूम एट डेट पार्टिकुलर कंडीशन, 1/मोलर वॉल्यूम एट डेट पार्टिकुलर कंडीशन। तो अब एनटीपी 0 सेंटीग्रेड 180 होता है, एनटीपी का मतलब है कितना मोलर वॉल्यूम होता है, 22.4। तो याद रखिएगा, मैंने आपको ट्रिक समझा दी, जब भी गैस का एक्टिव मास करें ना, जिस कंडीशन पे, फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर पे मोलर वॉल्यूम होता है 24, अब क्या एक्टिव मास होगा, 1/24 एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम होता है 22.4। तो गैस के लिए एक्टिव मास क्या होता है, 1/मोलर वॉल्यूम एट डेट पार्टिकुलर कंडीशन। तो एनटीपी पे मोलर वॉल्यूम क्या होता है बेटा, क्या होता है, 22.4। तो फिर एक्टिव मास गैस का क्या हुआ, क्या ऑप्शन हुआ जी, मैंने आपको ट्रिक समझा दी है, ठीक है, ऑप्शन नहीं समझाया। अब अगर आपको कहा जाता है जी, लेट्स सपोज आपको कहा जाता है गैस है उसका मोलर वॉल्यूम 35 सेंटीग्रेड पे 20 है या 50 है, तो एक्टिव मास का 1/ मोलर वॉल्यूम एट डेट पार्टिकुलर कंडीशन वो गैस का एक्टिव मास हुआ करता है, ठीक है, क्लियर बेटा। अच्छा आ गया जो बेटा, डेसीमीटर क्यूब पर मोल इज द यूनिट ऑफ कैसी फॉर विच रिएक्शन, याद रखिएगा बेटा, कैसी का यूनिट क्या होता है, कैसी का यूनिट कांस्टेंट नहीं होता, कैसी का यूनिट डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा एन पे, किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा एन पे कैसी का यूनिट डिपेंड करता है, यानी कैसी का यूनिट वेरी करता है फ्रॉम रिएक्शन टू रिएक्शन, फ्रॉम, तो कैसी का यूनिट होता है बच्चों, कैसी का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेस्ट द पावर डेल्टा एन, रेस्ट द पावर, तो वो कहता है कौन सा यूनिट, उसने यूनिट लिखाया हुआ है डेसीमीटर क्यूब पर मोल, कहता है ये कौन से रिएक्शन के लिए, याद रखिएगा। अब ये वाली कंडीशन हमने लानी है, ये वाली कंडीशन हम ला सकते हैं जब एन की वैल्यू -1 हो, जब एन की वैल्यू, डेल्टा एन की वैल्यू -1 होगी तो क्या होगा, मोल -1 डेसीमीटर क्यूब -, ऐसी बात है, तो डेसीमीटर क्यूब ऊपर ले जाओ, डेसीमीटर क्यूब पर मोल, डेसीमीटर क्यूब, तो डेल्टा एन -1 कब होगा, जब प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट से 1, प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट से 1, चूंकि डेल्टा एन होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। बेटा निकालो इसमें 1 किसके लिए, -1 किसके लिए आता है जी बच्चू, कौन सा जी, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है, देखो ना आपके पास -1 आना चाहिए, तो -1 कब आएगा, जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल में
वन का फर्क हो और रिएक्टेंट के मोल एक ज्यादा हो प्रोडक्ट, अब रिएक्टेंट पांच हो और प्रोडक्ट चार हो, प्रोडक्ट तीन हो रिएक्टेंट चार हो, प्रोडक्ट दो हो रिएक्टेंट तीन हो, प्रोडक्ट एक को रिएक्टेंट दो हो, जिस तरीके से भी वन मोल ज्यादा हो रिएक्टेंट के तो ये वाला यूनिट बेटा आया करेगा। ठीक है जी, दैट वाज योर एमसीक्यू नंबर थ्री। व्हिच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कैसी, कौन सी कैसी की प्रॉपर्टी नहीं है जी। व्हिच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कैसी, मे आर मे नॉट हैव यूनिट, बात ठीक है बेटा, कैसी का यूनिट हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बच्चों होता है 2HI फॉर्म H2+I2, यानी जब किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जीरो, जब किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एन, उसके लिए कैसी का यूनिट, जब किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जीरो ना हो तो उसके लिए कैसी का कुछ ना कुछ यूनिट होगा। तो कैसी का यूनिट हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, ये उसकी प्रॉपर्टी है जी। डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, यस, कैसी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कैसी टेम्परेचर के साथ बड़ा भी करता और कम भी हुआ करता है। यहां पे एक सवाल पैदा होता है, रेड कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ हमेशा बढ़ता है तो फिर कैसी कैसे कम होता है, बेटा इसको मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा, आगे एमसीक्यू आता है उसमें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, क्लियर। तो कैसी टेम्परेचर से बढ़ता है एंडो के लिए, कम होता है एक्सो के लिए, तो इस पर भी डिपेंड करता है। ये प्रॉपर्टी है कैसी की, एसोसिएटेड विद एक्टिवेशन एनर्जी, बेटा इसका कोई ताल्लुक नहीं है जी, ये कैसी की प्रॉपर्टी नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी कैसी की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी हम कैसी के साथ उसका कोई लिंक नहीं बनाया करते, कैसी का लिंक हम बनाते हैं किसके साथ, डेल्टा एच के साथ। ठीक है, तो दैट इज योर ऑप्शन, नन ऑफ दीज, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन आएगा जी। हमारे पास कौन सा आएगा जी, जी डी ऑप्शन आएगा, कौन सा आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी के साथ इसका ताल्लुक है, डेल्टा एच एक्टिवेशन एनर्जी से निकलेगा, डेल्टा एच कहां से निकलेगा, डेल्टा एच एक्टिवेशन एनर्जी से निकलेगा, तो डी इज आर करेक्ट ऑप्शन। क्यों, अगर देखो एंडोथर्मिक होगा जब फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो बैकवर्ड की, तो एंडोथर्मिक हुआ तो फिर एंडोथर्मिक से हम बता सकेंगे कैसी, यानी एक्टिवेशन एनर्जी से हम बता सकते हैं कि कैसी क्या होगा, टेम्परेचर से बढ़ेगा या कम होगा। अगर बैकवर्ड के लिए ज्यादा हुई एक्टिवेशन एनर्जी तो डेल्टा एच क्या होगा, ऐसा है ना, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है बैकवर्ड के लिए, ये एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड के लिए। तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी से हम बेसिकली डेल्टा एच निकालेंगे, डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी आल्सो एसोसिएटेड विद कैस सी, ऐसी बात है, आरएनएस इक्वेशन पढ़ी आपने, आरएनएस इक्वेशन क्या करती है, एक्टिवेशन एनर्जी को रेड कांस्टेंट से लिंक करती है, करती है नहीं करती, तो कैसी क्या होता है, बेसिकली दो रेड कांस्टेंट की रेशियो होती है, एक्टिवेशन एनर्जी हैज द लिंक विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, योर ऑप्शन विल बी नन ऑफ दीज, योर ऑप्शन विल बी, क्लियर बेटा, डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। अच्छा बट इट्स अनदर वेरी गुड एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट व्हेन अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो तो क्या चीज कांस्टेंट होती है जी, ऑल ऑफ दीज, जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करेंगे प्रेशर भी डिस्टर्ब होगा, टेम्परेचर भी डिस्टर्ब होगा, इसीलिए जब कहा जाता है ना, जब हमें कहा जाता है इक्विलिब्रियम एट दिस टेम्परेचर, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे कंसेंट्रेशन भी कांस्टेंट होती है बेटा, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर भी कांस्टेंट होता है और इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट हुआ करती है, दैट इज योर एमसीक्यू नंबर फाइव। तो बेटा यहां तक अगर किसी को किसी एमसीक्यू में प्रॉब्लम हो तो आप बात कर सकते हैं।